वीर जिनफेंग के रूम में वो क्रॉस नेकलेस ढूंढने आई थी, लेकिन जिनफेंग नींद में ही खांसता हुआ कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो फिर वी उसे पानी पिलाने लगी। लेकिन वो सोचती कि मैं उसे पानी क्यों पिला रही हूँ, उसने मुझे धोखा दिया था तो फिर मुझे उसे मार डालना चाहिए। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और जिनफेंग को मारने वाली थी, लेकिन एंडी चिल्लाता है कि हे कौन हो तुम और ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे वी ने उसकी ओर देखा तो एंडी डर गया कि वी ये तुम हो। वी कहती है कि तुम तो मुझे पापी लड़की कह के नहीं बुलाते थे। एंडी डरता हुआ हंसने लगा और कहता है कि आप तो मेरी प्रिंसेस हो, तो फिर मैं आपको उस तरह से कैसे बुला सकता हूँ। वी चली गई। उसके बाद एंडी चैन की सांस लेता है और कहता है कि वो पापी लड़की फाइनली चली गई, और वो जिनफेंग के पास जाके कहता है कि वो चली गई है, अब तुम एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। अगर अभी मैं नहीं होता तो उसने तुम्हें मार डाला होता, आखिर तुम सोनी की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। ऊपर से तुम कितने इंजर्ड हो, अगर उसने तुम्हें मारा होता तो फिर तुम रिकवर नहीं हो पाते। जिनफेंग कहता है अगर वो सच में मुझे मारना चाहती है तो फिर मैं उसे ये करने दूंगा। एंडी कहता है कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वी डीमन वर्ल्ड में पहुंची, लेकिन वहां की प्रजा ने जैसे उसे देखा वो लोग वहाँ से भाग गए। गुआंग ने हुआन मैंग को उठाए रखा था और वो मिंग्यून से पूछता है कि मैंने सुना है कि प्रिंसेस बहुत ही क्रूर है, लेकिन मिंग्यून उसे कहता है कि बकवास मत करो, ये सच नहीं है। वी अपने घर पहुंची, लेकिन वहाँ पे उसके घर की हालत एकदम ही खराब थी। मिंग्यून उसे कहता है कि आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं काफी सालों से इंसानी लोक में आपको ढूंढ रहा था और मुझे यहाँ की रूमर्स के बारे में नहीं पता। वी कहती है हाँ ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग मुझसे नफरत करते हैं, और वो सोचती है कि हाँ मुझे इसकी उम्मीद तो थी कि जो लोग मुझसे डरते हैं वो लोग मुझसे नफरत भी करते हैं, इसकी कीमत तो उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। तभी ली शितियान वहाँ पे पहुँच गया और वो बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है कि क्वीन ने ऑर्डर दे दिया है कि आपके घर का रिनोवेशन किया जाए और तब तक आप मेरे घर पे आराम कर सकती हो। वी स्माइल करती हुई कहती है कि जनरली मैं तुमसे मिलने आने वाली थी लेकिन तुम ही आ गई। ली शितियान अभी वी को अपने घर इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि क्वीन ने उसे बताया है कि प्रिंसेस के पास उसका डार्क सोल स्टोन नहीं है। वो वी को अपने घर ले जाकर ये चेक करना चाहता है कि वो सच में इतनी ज्यादा वीक है। वी उसके घर जाने के लिए मान गई और सोचती है कि मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि इस बार वो कौन सी ट्रिक आजमाता है। फिर रात को वो चांद देख रही थी और उसे 10 साल पहले की बात याद आ गई। जिनफेंग एक पेड़ पर बैठा था और वो चांद को देख रहा था। तब वी उसे बुलाती है और जिनफेंग के नीचे आने के बाद वो उसे पूछती है कि आजकल तुम पेड़ पर बैठकर चांद को क्यों देखते रहते हो। जिनफेंग कहता है कि मैं चांद को नहीं देख रहा था। वी कहती है कि तो फिर तुम क्या कर रहे थे। जिनफेंग ने उसे वो क्रॉस नेकलेस दिया। वी तो बहुत ही खुश होगी कि क्या ये मेरे लिए है। जिनफेंग ने उसे अपने हाथों से पहना दिया और कहा कि किसी भी वक्त अगर तुम पे कोई भी खतरा आएगा तो फिर ये मेरी आइस ब्लड स्वॉर्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वी हंसती हुई कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, मेरे प्रोटेक्शन के लिए मुझे किसी और की क्या जरूरत, बल्कि उस आइस ब्लड स्वॉर्ड से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उस 10 साल पहले की बात को याद करते हुए ही वी सोच रही थी कि ना जिनफेंग तुम मुझे बचाने वाले थे लेकिन तुमने ही मुझे मार डाला। तभी कोई छुपा हुआ था, वो अचानक से बाहर आया और अपनी स्वॉर्ड से वी पे अटैक करता है।